नारायण भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्मये होते हैं, लेकिन चार हाथों में से कौन से हाथ में शंख है, कौन से हाथ में गदा है, कौन से हाथ में पद्म है, कौन से हाथ में चक्र है, ये निर्धारित करता है कि वो नारायण भगवान का कौन सा रूप है। विष्णु भगवान स्वयं उनके 24 मूर्तियों का भेद बतलाते हैं। अगर शंख चक्र गदा पद्म इस तरीके से हो तो वो केशव भगवान की मूर्ति होती है, जिसकी आराधना करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। अगर शंख पद्म गदा चक्र इस तरीके से हो तो वो मधुसूदन भगवान की मूर्ति होती है, जिसकी आराधना करने से शत्रु नाश होता है। शंख पद्म चक्र गदा इस प्रकार से होने से शंकरसेन भगवान की मूर्ति होती है, इसकी आराधना करने से पुनर्जन्म नहीं होता। शंख गदा चक्र पद्म इस तरीके से होने से वो दामोदर भगवान की मूर्ति होती है, जिसकी आराधना करने से सारे सुख प्राप्त होते हैं। शंख चक्र पद्म गदा इस तरीके से होने से वो वामन भगवान की मूर्ति होती है, इसकी आराधना से व्यक्ति सदा धनवान होता है। शंख गदा पद्म चक्र होने से वो प्रद्युम्न भगवान की मूर्ति होती है, और इसकी आराधना करने से व्यक्ति को भौतिक सुख और बहुत ही धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। पद्म शंख चक्र गदा होने से वो विष्णु भगवान की मूर्ति होती है, इसकी आराधना करने से व्यक्ति श्रीमान होता है। चक्र शंख पद्म गदा होने से माधव भगवान की मूर्ति होती है, और इसकी आराधना करने से व्यक्ति धनवान होता है। गदा शंख पद्म चक्र इस तरीके से होने से वो अनिरुद्ध भगवान की मूर्ति होती है, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ऐसी मूर्ति की आराधना की जाती है। पद्म शंख गदा चक्र इस तरीके से अगर मूर्ति हो तो वो पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति होती है। गदा शंख चक्र पद्म ये अधोक्षज भगवान की मूर्ति होती है, सारे जन्मों के दुखों के हरण करने की शक्ति उनकी होती है। चक्र शंख गदा पद्म ये जनार्दन भगवान की मूर्ति होती है। चक्र गदा पद्म शंख ये गोविंद भगवान की मूर्ति होती है। पद्म गदा चक्र शंख ये त्रिविक्रम भगवान की मूर्ति होती है, लक्ष्मी माता जी के उपासक उनकी आराधना करते हैं। पद्म चक्र गदा शंख ये श्रीधर भगवान की मूर्ति होती है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस मूर्ति की आराधना की जाती है। गदा चक्र पद्म शंख ये ऋषिकेश भगवान की मूर्ति होती है। चक्र पद्म गदा शंख ये नरसिंह भगवान की मूर्ति होती है। गदा पद्म चक्र शंख ये अच्युत भगवान की मूर्ति होती है। गदा पद्म शंख चक्र ये वासुदेव भगवान की मूर्ति होती है। गदा चक्र शंख पद्म ये नारायण भगवान की मूर्ति होती है। चक्र गदा शंख पद्म ये पद्मनाभ भगवान की मूर्ति होती है। पद्म चक्र शंख गदा ये उपेंद्र भगवान की मूर्ति होती है। पद्म गदा शंख चक्र ये हरि भगवान की मूर्ति होती है। ऐसी मूर्ति की आराधना करने से व्यक्ति के सारे पाप हरण हो जाते हैं, और पद्म चक्र शंख गदा ये श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है। तो स्वयं विष्णु भगवान ने अपने 24 मूर्तियों का ये भेद बतलाया है, और जो भी व्यक्ति इन भेदों को जान लेता है वो व्यक्ति मुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त कर लेता है। तो आगे से आप कभी भी विष्णु भगवान, नारायण भगवान, कृष्ण भगवान के चार हाथों वाली मूर्ति देखोगे और उसमें शंख चक्र गदा पद्म कहाँ पर है ये देखोगे, तो आपको निश्चित ही ये पता चल जाएगा कि ये मूर्ति नारायण भगवान के कौन से रूप की है।